एक दिन सुबह सुबह एक शहर के पीसफुल रोड पर लाउड स्पीकर पर कुछ लोग सभी जन को उनके शहर के महिलाओं के रिस्ट्रिक्शंस के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ के महिलाएं घर से बाहर नहीं आना चाहिए, अगर कुछ ज़रूरत पड़ा तो महिलाएं टॉप टू टो कम्प्लीटली कवर करके आना चाहिए, उनके उंगलियों की नाखून भी नहीं दिखना चाहिए। एक घर में एक लड़की के पापा ने लड़की होने के कारण उनको स्कूल जाने से मना कर दिया, क्योंकि लड़कियां पढ़ना आदमी को इंसल्ट करना ही है। एक 11 साल की लड़की, हम स्कूल क्यों नहीं जा सकते, पूछने से उनको वहीं पर गोली मार दिया गया। ये सब कहानी नहीं, मूवी नहीं, सच है जो आज के अफगानिस्तान की स्थिति है। 400 डिस्ट्रिक्ट्स का अफगानिस्तान को ऑलरेडी तालिबान्स 100 डिस्ट्रिक्ट्स को ऑक्यूपाई कर चुके हैं। तालिबान्स के पालन में महिलाओं को रिस्ट्रिक्टेड लाइफ जीना होगा, नहीं तो मरना है। तालिबान्स को महिलाएं घर से बाहर आना बिल्कुल पसंद नहीं है। महिलाएं बाहर आना, पढ़ना उनको अपमानजनक है। अगर तालिबान्स अफगानिस्तान को कम्प्लीटली ऑक्यूपाई किया तो वहाँ की महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय बन जाएगी। हमें ऐसा थॉट आया होगा कि अगर तालिबान्स अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट मिलिट्री फोर्सेस क्या कर रही है। अफगानिस्तान गवर्नमेंट अपने सोल्जर्स को तालिबान ऑक्यूपाइड एरिया में महिलाओं को बचाने भेजे थे, लेकिन उनमें से करीब 1000 से भी ज़्यादा सोल्जर्स तालिबान से लड़ नहीं पाए और कजकिस्तान भाग गए। अमेरिका, जो सब जानते हैं कि वो एक अग्र राज्य है जो करीब 20 साल से टेररिज्म से लड़ रहा है, वो भी हेल्पलेस हो गया। अमेरिका अपना नाटो दल को अफगानिस्तान भेजकर तालिबान से अफगानिस्तान महिलाओं को बचाने की कोशिश की, लेकिन उनका 20 ईयर्स का मेहनत नाकाम रहा और उन लोग भी तालिबान को कुछ नहीं कर पाए और अफगानिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं। अब तालिबान ऑक्यूपाइड अफगानिस्तान को बचाने कोई नहीं रहा, तो वहाँ के लोगों का सहारा एक क्वेश्चन बन गया। 2020 अगस्त में उस तालिबान ऑक्यूपाइड अफगानिस्तान के घोर डिस्ट्रिक्ट में एक इंसिडेंट हुआ था। एक आदमी अपने पत्नी के साथ बाहर जाने के लिए घर से बाहर निकला तो तालिबान महिला को बाहर देखते ही उस आदमी के पास आ गया। वो आदमी तालिबान के साथ आर्ग करना शुरू किया कि वह क्यों तालिबान की बात सुनकर महिलाओं को घर के अंदर ही रखना है, ऐसा रिस्ट्रिक्शंस डालने के लिए तालिबान कौन है, बोलने लगा। उनके बातें सुनते ही तालिबान ने उनके ही घर के सामने उस आदमी को और उनके पत्नी को भी मार डाले। घर से उनके बेटी, जो ये सब देख रही थी, अचानक अपने पिताजी के पिस्टल लाकर वो तालिबान को शूट कर ली। उससे कुछ तालिबानी वहीं पर मर गए और कई तालिबान भाग गए। इस इंसिडेंट के बाद अफगानिस्तान के महिलाएं अपने आप को बचाना सीख लिए। जिस हाथ से बेलन पकड़ा उसी हाथ से अगर जरूरत पड़ा तो AK-47 भी पकड़ना है, जान लिए। इस लड़की को सभी रोल मॉडल बना लिए और अफगानिस्तान के गोर डिस्ट्रिक्ट के ज्यादातर महिलाएं गन्स पकड़कर तालिबान से फाइट करने के लिए रेडी हो गए। एक समय पर घर से बाहर नहीं निकलने वाले अफगानिस्तान के महिलाएं आज गन्स पकड़कर तालिबान से अपने आप को और अपने देश को भी बचाने तैयार हो गए। एक कमरे में रखकर पीटा गया तो बिल्ली भी एक दिन शेर बन जाती है। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.